आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रश्न दिखाऊंगा जिसमें आप जानेंगे कि आप यूपी वृद्धा पेंशन ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं, वो भी बिना किसी मिस्टेक के। यानी कि जिनकी भी आयु 60 साल से अधिक है, आप उनका ऑनलाइन फॉर्म फिल कैसे कर सकते हैं। यूपी वृद्धा पेंशन का ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए फ्रेंड्स आपको इस पेज पर आना होगा। इस पेज का लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे दे दूंगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस पेज पर आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इसके सारे ऑप्शंस होंगे। आप सोचते हैं जितनी भी कैटेगरी की यहाँ पर आपकी पेंशन होंगी, सारी पेंशन आपको यहाँ पे होंगी। वृद्धा पेंशन का फॉर्म फिल करने के लिए फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन होगा वृद्धा पेंशन। इसके नीचे आपको एक ऑप्शन होगा योजना के विषय में, तो फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये फ्रेंड्स प्रोसेसिंग लेगा और आपको आगे ले जाएगा। आगे ले जाने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। इस इंटरफेस पर आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इसके ऑप्शंस होंगे। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन होगा ऑनलाइन आवेदन करें, तो फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से आपको आगे ले जाएगा और आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। इस इंटरफेस पर आने के बाद आप इस तरीके से नीचे आएंगे, तो यहाँ पर आपको आना है। यहाँ पर डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इस डैशबोर्ड में आप जिसका भी फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं उनकी जानकारी आप क्रम से फिल करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है जनपद डिस्ट्रिक्ट। तो फ्रेंड्स आप क्लिक करेंगे सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट पर। यहाँ से जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वही डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसके सामने आपको दो ऑप्शन होंगे निवासी, तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन आ रहे हैं नगरीय ग्रामीण। फ्रेंड्स आप जिस भी क्षेत्र से आते हैं वही आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको तहसील का ऑप्शन होगा, तो आप क्लिक करेंगे सिलेक्ट पर। क्लिक करने के बाद जो भी एप्लीकेंट का तहसील है वही आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप देखते हैं यहाँ पर ब्लॉक भी ओपन हो गया है। फ्रेंड्स आप क्लिक करेंगे सिलेक्ट पर। क्लिक करने के बाद जो भी एप्लीकेंट का ब्लॉक है वही आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप आगे आएंगे, आगे आ रहा है ग्राम पंचायत। तो फ्रेंड्स आप क्लिक करेंगे सिलेक्ट पर। क्लिक करने के बाद जो भी एप्लीकेंट है यानी कि आप जिनका भी फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं उनका जो भी ग्राम पंचायत है वही आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप आगे आएंगे, आगे आ रहा है विलेज। तो फ्रेंड्स आप क्लिक करेंगे सिलेक्ट पर। क्लिक करने के बाद जो भी एप्लीकेंट का विलेज है वही आपको सिलेक्ट करना है। विलेज सिलेक्ट करने के बाद आप आगे आएंगे, आगे आ रहा है आवेदक का नाम। तो फ्रेंड्स जैसा भी उनके आधार कार्ड पर उनका नेम प्रिंट है सेम वैसा ही नेम आपको यहाँ फिल करना है। फिल करने के बाद आप आगे आएंगे, आगे आ रहा है लिंक जेंडर। तो फ्रेंड्स जो भी एप्लीकेंट का जेंडर है वही आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ जन्मतिथि डेट ऑफ बर्थ। तो फ्रेंड्स आप कैलेंडर का ऑप्शन जो भी सो रहा है आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कैलेंडर ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद फ्रेंड्स जो भी एप्लीकेंट का डेट ऑफ बर्थ है वही आपको सिलेक्ट करना है। आप इस तरीके से आगे पीछे कर सकते हैं। करने के बाद जो भी उनका डेट ऑफ बर्थ है वही आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर आप आगे आएंगे, आगे आपको कॉलम से होगा पिता पति का नाम। तो फ्रेंड्स जो भी उनके पिता या पति का नाम है वही आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आगे आ रहा है श्रेणी कैटेगरी। तो फ्रेंड्स आप क्लिक करेंगे सिलेक्ट कैटेगरी पर। जो भी एप्लीकेंट का कैटेगरी है वही आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप आगे आएंगे, आगे आ रहा है संपर्क सूत्र मोबाइल नंबर। तो फ्रेंड्स जो भी एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर है वो आप फर्स्ट कॉलम फिल करेंगे, फिर वही मोबाइल नंबर आपको अगले कॉलम में फिल करना है कन्फर्म करने के लिए। ये मोबाइल नंबर आपका एक्टिव होना चाहिए, इस पर ओटीपी जाएगी। तो फ्रेंड्स आप आगे आएंगे, आगे आ रहा है पूरा पता। तो फ्रेंड्स एप्लीकेंट का जैसा भी एड्रेस है वो आपको इस कॉलम में फिल करना है एज पर आधार। तो फ्रेंड्स एड्रेस फिल करने के बाद आप आगे आएंगे तो आगे आपको एक नया कॉलम होगा बैंक का विवरण। तो फ्रेंड्स इस कॉलम में आप एप्लीकेंट की जो भी बैंक की जानकारी है सारी आप क्रम से फिल करते आएंगे। मैं आप देखते हैं इसमें इसका फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है बैंक का नाम। तो फ्रेंड्स आप क्लिक करेंगे सिलेक्ट बैंक पर। क्लिक करने के बाद जो भी आपका बैंक है वही आपको सिलेक्ट करना है। बैंक सेलेक्ट करने के बाद आगे आ रहा है बैंक शाखा का नाम। तो फ्रेंड्स आप क्लिक करेंगे सिलेक्ट ब्रांच पर। जो भी आपका ब्रांच है वही आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। ब्रांच का नाम सेलेक्ट करने के बाद आप आगे आएंगे तो यहाँ रहा है खाता संख्या। तो फ्रेंड्स जो भी एप्लीकेंट का अकाउंट नंबर है वो आप फिल करेंगे। फिर आगे वाले कॉलम में आ रहा है खाता संख्या दोबारा दर्ज करें। फ्रेंड्स वही अकाउंट नंबर आपको यहाँ से फिर से री एंटर करना है। फिर आप आगे देखते हैं यहाँ रहा IFSC कोड। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप जो भी आपकी बैंक का ब्रांच है आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका IFSC कोड सही पैच हो जाएगा, जिससे ये कन्फर्म हो जाएगा कि जो भी बैंक आपने सेलेक्ट की है वो सही है या नहीं। तो फ्रेंड्स बैंक की जानकारी फिल करने के बाद आप आगे आएंगे, आगे आ रहा है आय का विवरण। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप एप्लीकेंट के इनकम सर्टिफिकेट की जानकारी फिल करेंगे, जिसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है
इनकम एप्लीकेशन नंबर। तो फ्रेंड्स जो भी आपके आय प्रमाण पत्र का एप्लीकेशन नंबर है वो आपको यहाँ फिल करना है। फिल करने के बाद आगे कॉलम आ रहा है इनकम सर्टिफिकेट नंबर। तो फ्रेंड्स जो भी आपके आय प्रमाण पत्र का प्रमाण पत्र संख्या है वो आपको फिल करनी है। इनकम डिटेल्स फिल करने के बाद फ्रेंड्स फिर आप आगे आ रहा है दस्तावेज अपलोड करें। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेंट के डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है फोटो। तो फ्रेंड्स जो भी एप्लीकेंट का फोटो है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। फोटो आप JPEG या JPG में अपलोड कर सकते हैं, जिसका साइज 20 KB से अधिक ना हो। फिर आगे ऑप्शन आ रहा है डॉक्यूमेंट अपलोड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एप्लीकेंट की आयु प्रमाण पत्र का कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, यानी कि जिसमें आप आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। जो आप आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड करेंगे वो PDF में होना चाहिए और उसका साइज 200 KB से अधिक ना हो। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद फ्रेंड्स आप आगे आएंगे। आगे यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन देना है, जिसमें आप सकते हैं यहाँ पर जो भी चेकबॉक्स आ रहा है आप इस पर क्लिक करके कंसर्ट देंगे। कंसर्ट देने के बाद जो भी कैप्चा आपको सो रहा है वो आपको यहाँ फिल करना है। फिल करने के बाद आप क्लिक करेंगे सबमिट पर। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। और फ्रेंड्स आप इस तरीके से नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको होगा कि जो भी फॉर्म आपने अप्लाई किया है वो फॉर्म सफलतापूर्वक भरा जा चुका है, आपका पंजीकरण संख्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके पेंशन का पंजीकरण नंबर भी होगा, आप इसे नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद नीचे यहाँ पर आपको आना है। तो यहाँ पर आपको होगा कृपया आवेदन की स्थिति के लिए यहाँ क्लिक करके लॉगिन करें। फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। तो फ्रेंड्स फिर से आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद फ्रेंड्स जो भी आपकी पेंशन की जानकारी है आपको क्रम से फिल करनी है, जिसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट पेंशन स्कीम। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप फर्स्ट पेंशन सेलेक्ट करेंगे ओल्ड एज पेंशन। इतना सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आ रहा है रजिस्ट्रेशन ID। फ्रेंड्स जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको भी रिसीव हुआ है, जनरेट हुआ है, वो आपको इसमें फिल करना है। फिल करने के बाद आपका थर्ड कॉलम आ रहा है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो फ्रेंड्स जो भी मोबाइल नंबर अभी आपने इस पेंशन में रजिस्टर किया है, लिंक किया है, वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ फिल करना है। फिल करने के बाद आप क्लिक करेंगे सेंड OTP पर। तो फ्रेंड्स आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड कर दी जाएगी, वो OTP आपको अगले स्टेप में फिल करके वेरीफाई करनी है। जो भी OTP आपको रिसीव होगी वो OTP आप इंट्रो OTP वाले कॉलम फिल करेंगे। फिल करने के बाद जो भी कैप्चा आपको सो रहा है वो आपको कैप्चा वाले कॉलम फिल करना है। फिल करने के बाद फ्रेंड्स आप क्लिक करेंगे लॉगिन पर। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स फिर से प्रोसेसिंग लेगा, आपको आगे ले आएगा और आप यहाँ पर जो भी आपके पेंशन का फॉर्म है उसमें आप लॉगिन हो जाएंगे। पेंशन फॉर्म में लॉगिन होने के बाद फ्रेंड्स आप इस तरीके से नीचे आएंगे। तो यहाँ पर आपको इसके मेन्यू होंगे, जिसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है डैशबोर्ड। इसके नीचे आपको ऑप्शन होगा एडिट लॉक एप्लीकेशन फॉर्म। तो फ्रेंड्स आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स जो भी आपका फॉर्म है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आपको मैं दिखाता हूँ, आप इसके जो भी जानकारी आपने फिल की है सारी आपको यहाँ पे शो होंगी। जो भी जानकारी आपको इसमें चेंज करनी है फ्रेंड्स आप चेंज कर लेंगे। चेंज करने के बाद आप इसके यहाँ पर आपको चेकबॉक्स होगा, आप इस पर कंसर्ट देंगे। कंसर्ट देने के बाद जो भी कैप्चा आपको सो रहा है ये आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आप क्लिक कर देंगे अपडेट डिटेल्स पर। तो फ्रेंड्स जो भी जानकारी आपने फिल की है या चेंज की है वो चेंज हो जाएंगी। यदि जो भी फॉर्म आपने फिल किया है वो पूर्णतः सही है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, तो फ्रेंड्स आप सीधे नीचे आएंगे। जाने के बाद यहाँ पर चेकबॉक्स हो रहा है, आप इस पर क्लिक करके कंसर्ट देंगे। कंसर्ट देने के बाद कैप्चा वाले कॉलम में कैप्चा फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप क्लिक करेंगे फाइनल सबमिट पर। क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपको ऐसा पॉपअप होगा, यहाँ पर आपको होगा कि आप बाकी फाइनल लॉक लगाना चाहते हैं। फाइनल लॉक लगाने के बाद आप अपने एप्लीकेशन में कोई भी चेंजिंग ऐड नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यदि इसमें कोई मिस्टेक है तो आप एड करेंगे। यदि जो भी जानकारी आपने फिल की है सही है और आपने फाइनल सबमिट पर क्लिक किया है फ्रेंड्स आप क्लिक करेंगे ओके पर। आप क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आपके सामने आपको ऐसा इंटरफेस होगा, यहाँ पर होगा सक्सेस फॉर्म फाइनली सबमिटेड। फ्रेंड्स आप क्लिक करेंगे ओके पर। ओके पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपसे जो भी फॉर्म आपने फाइनल सबमिट के लिए फाइनल लॉक किया था वो फाइनल लॉक हो चुका है। आप इस फॉर्म में कोई भी एड्रेस सुधार नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल लॉक करने के बाद इसके नीचे आपको एक ऑप्शन होगा आधार ऑथेंटिकेशन, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक करेंगे फिर से आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। फ्रेंड्स फिर से आप इस तरीके से नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन होगा आधार कार्ड नंबर। फ्रेंड्स जो भी एप्लीकेंट का आधार नंबर है वो आपको यहाँ फिल करना है। फिल करने के बाद आप नीचे आएंगे।
यहाँ पर जो भी चेकबॉक्स आपको शो रहा है आप इस पर क्लिक करके कंसर देंगे। कंसर देने के बाद जो भी कैप्चा आपको शो रहा है वो आप इंटर कैप्चा कोड हेयर वाले कॉलम में फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप क्लिक करेंगे क्लिक फॉर आधार ऑथेंटिकेशन। आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा पॉपअप होगा फ्रेंड्स, आप क्लिक करेंगे ओके पर। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको होगा दिस एक्शन मे टेक सर्वर मिनट प्लीज बी पेशेंट। तो फ्रेंड्स आप क्लिक करेंगे ओके पर। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लग सकता है। लगने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। इंटरफेस पर आने के बाद फ्रेंड्स आप फिर से इस तरीके से नीचे आएंगे और आपको लास्ट में आना है। यहाँ पर आपको लास्ट में होगा आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेस प्रोसीड टू फाइनल प्रिंट, यानी कि जो भी आधार प्रमाणीकरण आपने किया था वो आपका सफलतापूर्वक हो चुका है। अब आप यहाँ से जो भी आपका एप्लीकेशन है उसका फाइनल प्रिंट निकाल सकते हैं। फाइनल प्रिंट निकालने के लिए यहाँ पर आपको होगा प्रोसीड फॉर फाइनल प्रिंट। तो फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स फिर से प्रोसेसिंग लेगा और आपको आगे ले आएगा और आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। इस इंटरफेस पर आने के बाद आप देखते हैं यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हो रहा है ग्रीन में प्रिंट एप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से आपके सामने ऐसा पॉप होगा तो आप क्लिक करेंगे ओके पर। जैसे ही फ्रेंड्स आप ओके पर क्लिक करेंगे तो फिर से आपको आगे ले आएगा और फिर से आप नीचे आएंगे। तो आप देखते हैं जो भी एप्लीकेशन अभी आपने अप्लाई किया था फिल किया था वो प्रिंट होने के लिए तैयार हो गया है। एप्लीकेशन का प्रिंट निकालने के लिए फ्रेंड्स आपको इस तरीके से आना है। तो यहाँ पर आपको प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन होगा तो आप इस पर क्लिक करके इसका प्रिंट निकाल लेंगे। यदि आप मोबाइल से अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसे मोबाइल में PDF में सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आप इसे कंप्यूटर से प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रिंट निकालने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने इसमें अटैच किए हैं, यानी कि अप्लाई करते समय जितनी भी डॉक्यूमेंट्स की जानकारी आपने फिल की है वो सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी यानी कि जेरोक्स कॉपी आपको इस प्रिंट एप्लीकेशन के साथ अटैच करनी है। अटैच करने के बाद यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आप अपने ग्राम के सेक्रेटरी से यानी कि ग्राम सचिव से अपना ग्राम सभा प्रस्ताव की एक जेरोक्स कॉपी भी इसमें अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद एक सेट बन जाएगा, जो सेट आप अपने गांव के सचिव से सत्यापित कराएंगे। सत्यापित कराने के बाद ये सेट आपको अपने ब्लॉक में जमा करना है। एप्लीकेशन फॉर्म ब्लॉक में जमा करने के बाद फ्रेंड्स जब भी अगले स्टेप में आपकी पेंशन आपके गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी तो DBT के माध्यम से आपके अकाउंट में सेंड कर दी जाएगी। यदि पेंशन को लेकर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन है, सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ये थी आज की जानकारी, आशा करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।